हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन ट्रेडिंग के बारे में। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया भी था और शो भी किया था कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं और कितना अर्न कर सकते हैं, और मैंने प्रूफ भी दिखाए थे उस वीडियो में। तो बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर यहाँ जो आई बना हुआ है वहाँ भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर उससे भी आप लोग इसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बात करूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि वो इस बिज़नेस में आए या एज अ पार्ट टाइम वो डोमेन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, आपको कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या कुछ करने की ज़रूरत है आपको कि आपका जो डोमेन है जो आप परचेज करेंगे वो जल्दी से जल्दी सेल हो जाए, या फिर आपको कहाँ से बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो मैं इन सारे टॉपिक के ऊपर आज बात करूँगा आपसे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं iGadget क्या है। तो सबसे जो मेन चीज़ होता है कि आपको डोमेन ख़रीदना कौन सा है और कहाँ से ख़रीदना है, और जो आप ख़रीद रहे हैं क्या वाकई में आपको उसकी वो वैल्यू मिलेगी जो आप सोच रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कहाँ से ख़रीदना है, कौन सा डोमेन ख़रीदना है, मतलब नाम क्या होना चाहिए, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि हमें किस तरह के डोमेन ख़रीदने चाहिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें वो होता है कि आप जितना शॉर्ट डोमेन लेंगे या जैसे वन वर्ड लेंगे जैसे कि फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उतना अच्छा रहेगा आपके डोमेन के लिए, उतने चांसेस रहते हैं कि आपका जो डोमेन है वो जल्दी से जल्दी बिक जाएगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है आज के टाइम में कि आपको वो वन वर्ड डोमेन अवेलेबल हो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है .com। अगर आप उसे इंटरनेशनली सेल करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप .com ही खरीदें, .in, .biz, हो सकता है कि बिक जाए इंडिया में .in, .biz हो सकता है, लेकिन जो 90% चांसेस होते हैं वो .com के होते हैं। अगर आप पुरानी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो मैंने इस वीडियो में भी वो लिंक दे दिया हुआ है कि वो कौन से ऐसे डोमेन्स थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। तो उनमें से जो सबसे नंबर वन पे है वो है insurance.com। एक इंश्योरेंस कंपनी ने, अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनी ने इस डोमेन को परचेज़ किया था उसके ऑनर से और उसे पे किया था $35 million। तो यही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आप .com ही खरीदें। अगर आपको वन वर्ड नहीं मिलता है तो आप टू वर्ड पर जा सकते हैं या उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि facebook.com। अगर आप सोचें कि facebook.com भी मैं जाके ले लूँ तो आपको वो भी अवेलेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे होता है एक है unique.com, तो unique.com ये मिलना मुश्किल है। तो लोग क्या करते हैं younike और nike इस तरह कस्टमाइज़ करके लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कस्टमाइज़ करके भी ले रहे हैं तो क्या आपकी जो ऑडियंस है जिसे आप इसे बेचना चाहते हैं, क्या वो लोग आपके इस कस्टमाइज डोमेन पे इंटरेस्टेड हैं। तो उन सब चीज़ों को आपका ख्याल रखना पड़ेगा। सेकंड है कि आप इसे ख़रीदें कहाँ से। तो दोस्तों बहुत सारे हमारे पास रजिस्ट्रार हैं ऑनलाइन जो डोमेन वगैरह सेल करते हैं। तो सबसे नंबर वन पे अगर मैं बात करूं तो सबको पता है गोडैडी के अलावा आपके पास है सीडो, फ्लिपा, बिग रॉक, इंडिया में बिग रॉक भी चलता है और भी बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गोडैडी या फिर सीडो से लें, क्योंकि ये नंबर वन है। इनफैक्ट गोडैडी ही मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। मैं खुद पर्सनली गोडैडी से ही परचेस करता हूँ और वहीं पे सेल भी करता हूँ। तो गोडैडी सबसे नंबर वन पे है आज के टाइम में। उनके पास बहुत बड़ा ऑडियंस भी है, लार्ज मार्केट है उनका और ट्रस्टवर्दी है। तो आप वहाँ से अपना आराम से बाय कीजिए बिना किसी प्रॉब्लम के, सब कुछ सही रहता है वहाँ से। उसके अलावा हमें डोमेन बाय करने के बाद
कितनी जल्दी हम उसे बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी लग रहा था कि शायद मैंने आज बाय कर लिया है, कल मैं ऑक्शन में डाल दूंगा और एक महीने में बिक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे मुझे पता चला, स्टेप बाय स्टेप मुझे इस बात का पता चला कि डोमेन खरीदने के बाद आप उसे नहीं बाय बेच सकते हैं, मतलब ऑक्शन में डाल सकते हैं लेकिन लोग लेंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल नया है। अब आप खुद सोचिए, जैसे आपने एक प्रॉपर्टी आज खरीदी, कहीं पर भी, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, कहीं पर भी आपने कोई एक लैंड खरीदा, तो आप कल जाके बेचेंगे तो आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल नया है वो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी आप अपने पास रखते हैं, जैसे लैंड वगैरह क्या, तो 10 साल 20 साल रखें तो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन डोमेन में ये कहूँगा कि 6 महीना 1 साल पुराना होता है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं कि आपने डोमेन खरीद लिया और आप उसे बेच रहे हैं या ऑक्शन में डाल दिया है, तो आपको मतलब कोई आएगा और आपको बोलेगा ठीक है बॉस मुझे ये पसंद आ गया और मैं आपसे लेना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं है। जैसे आप, जैसे आपने डोमेन बाय कर लिया, तो फिर आप उस डोमेन को जब आप अपने ब्राउज़र पर ओपन करते हैं तो क्या दिखाता है कि डोमेन इज पाप फ्री, मतलब कि डोमेन परचेस कर लिया गया है, अब ये ऑर्डर के पास है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि हो सके तो आप उस पर एक पेज बना दीजिए, लाइक डोमेन इज़ फॉर सेल, और या फिर कुछ भी, जैसे कि जैसे आपका डोमेन किसके ऊपर है, किस नाम के ऊपर है, जैसे कि कोई नाम आप चूज़ करिए, जैसे कि digitalmarketing.com, और अगर जैसे digitalmarketing.com है तो उस पेज के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स के थ्रू आप अपना उसे एक पेज बना दीजिए और उसे प्रमोट करते रहिए हर जगह, हर सोशल मीडिया पे। तो क्या होगा कि जो गूगल है वो ट्रैक करता है, जब होगा क्या, बेसिकली जब कोई बायर होगा और वो जब टाइप करेगा डिजिटल मार्केटिंग, तो देखिएगा कि ये डोमेन है लेकिन सेल पे है, तो इसलिए मतलब उसको ज़्यादा, मतलब जब वो बाय करेगा उसको ये नहीं कि उसको ना ज़ीरो से काम करना पड़ेगा, ऑलरेडी उसका जो मेन जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी रैंकिंग में है, ठीक है, रैंकिंग में है, तो जब वो बाय करेगा तो उसको ज़्यादा स्टार्टिंग से काम भी नहीं जरूरत थी, उसने बस अपना डोमेन बनाया, मतलब जो भी बिजनेस के लिए जो भी पर्पज से उसने जो डोमेन लिया है आपसे, उसको उससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आपको एक डोमेन खरीदें, खरीदने के बाद उस पर एक एचटीएमएल का एक पेज बना के, बस जैसे जो भी कीवर्ड है, जैसे कि जैसे देसी सरकैज़म है तो सरकैज़म से रिलेटेड कुछ आप उस पर डाल सकते हैं, और या फिर ह्यूमर के ऊपर कुछ डाल सकते हैं, तो उसके उस मतलब जब आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी जो पोटेंशियल जो बायर होते हैं, तो उनको लगता है कि वाकई में इस डोमेन का कीवर्ड के और इस डोमेन से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें आसानी होती है बाय करके उसको बिल्ड करना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप डोमेन खरीद लें तो उस पर आप एक पेज बना के स्लोली स्लोली अपने सोशल मीडिया चैनल के थ्रू से प्रमोट करते रहें, और एट द सेम टाइम आपको उसको ऑक्शन भी करना होता है। ऑक्शन कहाँ पे करेंगे, तो मैं दो चीज़ें यूज़ करता हूँ, एक है गो डैडी ऑक्शन, एक है सीडो। सीडो का रिस्पांस ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है, लेकिन गो डैडी बहुत अच्छा है। आपको कुछ 1500 रुपये साल के देने पे करने होते हैं एडवांस, स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग में ही, फिर उसके बाद वो लोग आपको एक अकाउंट देते हैं, उसके बाद आप अपने जितने भी डोमेन्स आपने जो परचेस किए हैं आप उसको वहाँ पे लाइव ऑक्शन कर सकते हैं, आप प्राइस चूज़ कर सकते हैं। अब आप प्राइस तो ये है कि आप उसे $10 से बेच सकते हैं, $1,000 तक, 10,000, 5,000, 25,000 डॉलर तक बेच सकते हैं, लेकिन सब डिपेंड करता है कि वो कितना पुराना है और कितना रिलेटिव्स है आपके पोटेंशियल बायर के लिए, तो वो आपको ध्यान रखना है। जब आप प्राइसिंग चूज़ करें बेचने के लिए तो ध्यान रखें कि आप ज़्यादा ऐसा मत कुछ बोले, से मैंने बहुत से लोगों को देखा है $5,000, बॉस आपने आज ही खरीदा है, कौन देगा आपको $5,000, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपको देखना पड़ता है। हाँ, स्टार्टिंग में आप जैसे अब इंडिया में आप डोमेन खरीदते हैं तो कम से कम 199 रुपये से स्टार्ट होता है, या 99 रुपये से स्टार्ट होता है गोडैडी पे, और मैक्सिमम होता है 699 तक, अगर वो डोमेन फ्री है, किसी ने नहीं लिया हुआ है तो। तो कई बार क्या होता है, आपने कुछ टाइप किया उस पर, जैसे कि कुछ भी bando.com, india.com, तो दिखाएगा टेकन, टेकन मीन्स आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ दिखाता है
जैसे कि onlinemarketing.com, तो दिखाएगा कि अवेलेबल बट प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम का मतलब होता है कि किसी बंदे ने उसे खरीद रखा है और उसे ऑक्शन पर डाला हुआ है, तो अब आपको उसे खरीदना है तो आपको उसे वही रकम पे करनी होगी जितना उसने डिमांड किया है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो आप भी ले के प्राइसिंग को ठीक से डालना होता है कि आपको लगता है कि हाँ इस डोमेन के लिए मुझे कम से कम $100, 6,000 रुपये, 5,000 रुपये या 10, मतलब जो भी है अपने हिसाब से। ज़्यादा ऐसा भी नहीं रखना है कि लोग ओह ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर हाँ निगोशिएबल है, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आपने डाला तो क्या निगोशिएबल है, तो आप उस पर टिक कर दीजिए हाँ ये निगोशिएबल है, तो जो बायर्स होंगे वो आपसे मेल करेंगे, आपको निगोशिएट करेंगे, और सब कुछ सही रहा तो फिर गो डैडी के थ्रू आपका वहाँ से वो जो डोमेन है उनके पास आ जाएगा, वो अपना कुछ कमीशन रखेंगे और जो बाकी का जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब आप ऑक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप डोमेन ऑक्शन के लिए डालें तो प्राइसिंग सही होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कहूँगा कि क्या बाय करना है, कहाँ से बाय करना है और किस तरह बेचना है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनका आप ध्यान रखें। जैसे कि मैं आपको क्लू देता हूँ, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा डोमेन मैं खरीदूं, कौन सा है जो सबसे जल्दी बिक जाएगा, तो मैं आपको एक बहुत पर्सनल क्लू दे रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस हैं इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, तो बहुत सारे लोगों क्या होता है कि बस वो पेज बना के अपने पेज को प्रमोट कर रहे हैं और वहीं से पैसे भी बना रहे हैं, है ना, शॉट आउट करते हैं तो पैसे आते हैं उनके पास। लेकिन कई बार लोग क्या है कि डोमेन नहीं खरीदते, तो जैसे अगर आपने उनके डोमेन्स बाय कर लिए, फ्यूचर में अगर उन्हें वो डोमेन चाहिए तो वो बहुत से थे अवेलेबल ही नहीं है, स्पेशली .com वाले अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें बस वही पर्टिकुलर डोमेन ही चाहिए, .com वाला ही चाहिए जो आपके पास है, तो ऑब्वियसली वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, तो इसीलिए जब आप डोमेन खरीदते हैं तो आप एक पेज बनाएं, एक पेज बना के नीचे लिख दे कॉन्टैक्ट अस में अपना नंबर या ईमेल आईडी कुछ भी डाल दे, ताकि वो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सके। कॉन्टैक्ट करेंगे तो पूछेंगे आपको कि बॉस मुझे आपकी इस डोमेन में इंटरेस्टेड हूँ मैं, तो आप अपना बता देना कितना है कितना नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिनकी डोमेन शायद अवेलेबल हो, मेरे ख्याल से मैक्सिमम तो आजकल सभी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, सब डोमेन पहले खरीदते हैं पेज बाद में बनाते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा टिप था कि आप ईजिली सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा गूगल के पास, गूगल में उनका अपना एक टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं कौन सा कीवर्ड बहुत रैंकिंग हाई है इंडिया में या इंडिया के बाहर। ज्योग्राफी बेस भी आप चेक कर सकते हैं, टारगेट बेस भी कर सकते हैं, बहुत सारे उसके अंदर फिल्टर्स है तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों जब आप बाय करें तो ध्यान रखें क्या बाय करना है, ऑक्शन में कितना रखना है, और जो पब्लिक है उनके लिए कितना फ़ायदा होगा कि अगर वो आपसे डोमेन बाय कर रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सजेशन है या आप कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।